हाय एवरीवन, वेलकम टू शिवाज वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है हैंड पावर बढ़ाने के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि अपने हाथों को किस तरह मजबूत करें। तो मजबूत इसलिए नहीं करना है कि आपको लोगों से झगड़ा करना है, जिसे आप एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप पुशअप्स, पुलअप्स और वेट ट्रेनिंग अच्छी तरह से करते हैं तो आपको हाथों को मजबूत करने के लिए अलग से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने एक्सरसाइज हैं जिसे आप कर अपने हाथों को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए सारे एक्सरसाइज को देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हैंड पावर का कंसेप्ट समझ लीजिए, कहां कहां से हमारे हैंड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके फोर आर्म स्ट्रेंथ आनी चाहिए, उसके बाद बाइसेप ट्राइसेप के स्ट्रेंथ, उसके बाद शोल्डर के स्ट्रेंथ, उसके बाद लैट्स के स्ट्रेंथ। ये सारे चीज़ मैटर करते हैं आपकी हैंड पावर बढ़ाने में, और साथ साथ हमारे कोर के स्ट्रेंथ और ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेंथ भी मैटर करता है हमारे हैंड पावर को यूज करने के लिए। तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो चलिए सारे एक्सरसाइज को गौर से देखते हैं जो कि हमारे हैंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहला नंबर एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरह पुशअप पोजीशन में आने हैं, फिंगर आपके खुले रहेंगे और हाथ का एंगल इस एंगल में लगभग 45 डिग्री के एंगल में रहेगा, और हाथ आपके शोल्डर लेंथ में खुले रहेंगे। इस तरह आपको एडजस्ट करते हुए पुशअप पोजीशन में हाथों को स्ट्रेट रखें और आगे की तरफ इस तरह लीन होना है, इसे बोलते हैं प्लांच लीन। और अपने हाथों पर प्रेशर बनाए रखें, फिंगर से होल्ड रखने का कोशिश करें, जितना मैक्सिमम होल्ड रख सकते हैं होल्ड रखें, फिर उसके बाद रेस्ट। फिर दोबारा हल्का रेस्ट लेने के बाद लगभग 5 सेकंड का, उसके बाद जाएंगे दोबारा, और आपके बैक इस तरह नीचे नहीं रहेगा, ज़्यादा ऊपर रहेगा, बस इक्वल कोर को इंगेज रखते हुए आगे की तरफ लीन हो इस तरह। इसे आपको 8 से 10 रिपीटिशन लगाने हैं। तो चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर एक्सरसाइज की तरफ। तो सेकेंड नंबर एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह पुशअप पोजिशन में आने हैं, और यहाँ से स्लोली स्लोली पुशअप लगाएंगे जितना स्लो हो सके, और एल्बो और बाइसेप के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम होल्ड रखना है। ये नहीं कितना डाउन जाना है और ना ऊपर रहना है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होल्ड रखें, जितना मैक्सिमम होल्ड रख सकते हैं 15 से 20 सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे उठना है, ये फिर एक बार स्लोली स्लोली डाउन जाएंगे। इस पोजीशन में मैक्सिमम होल्ड रखेंगे जितनी आपकी क्षमता हो, फिर उसके बाद वापस आएंगे। इसे भी आपको 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू देना चाहते हैं एज इट इज EAA का, जो होता है एसेंशियल एमिनो एसिड। जिन लोगों का गोल बॉडी बिल्डिंग है उनको एसेंशियल एमिनो एसिड अलग से लेना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती है। तो ये हमारे रिकवरी को फास्ट करने में मदद करता है। यह प्रोडक्ट आपको पड़ता है 499 में, जो कि होती है 100 ग्राम की और 9 सर्विंग की, जो कि ऑरेंज फ्लेवर में आता है। तो यह प्रोडक्ट बिल्कुल ट्रस्टेड है, जो कि हमारे सुपरस्टार सोनू सूद और ओलंपिक सिल्वर विनर रवि दहिया जैसे लोग भी इसे प्रमोट करते हैं और यूज करते हैं। इसकी एक सर्विंग में आपको मिलता है 5 ग्राम ऑफ BCAA यानी ब्रांच्ड एमिनो एसिड, और 9.65 ग्राम ऑफ EAA यानी एसेंशियल एमिनो एसिड। तो BCAA का रेशियो इसमें होता है 1:1। इसमें आपको 0 शुगर, 0 कार्ब, 0 कैलोरीज मिलता है, और भी सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जो कि पैक पर दिए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन को पॉज कर देख सकते हैं। यह प्रोडक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया जाता है, और जिसकी ओरिजिनलिटी आप इस बार कोड को स्क्रैच कर स्कैन कर मिला सकते हैं। तो यह प्रोडक्ट भी GMP सर्टिफाइड है और थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड भी है, जिसमें किसी भी तरह का डोपिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर एक्सरसाइज को करने के लिए आपको थोड़ी सी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम चेयर का यूज़ कर रहे हैं। आप टेबल, बेंच, कुर्सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस पर पैर रखने हैं, और पाइक पोजिशन में आपको सेम पुशअप पोजिशन वाला होल्ड रखना है। पाइक पोजिशन में आएँ, यहाँ से आपको डाउन जाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, हेड लगभग टच ही रहेगा ग्राउंड से, यहाँ मैक्सिमम होल्ड रखेंगे कम से कम 10 सेकेंड, उसके बाद वापस, फिर डाउन, मैक्सिमम होल्ड, फिर उसके बाद वापस। इसे भी आपको 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं। तो चौथा नंबर एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 इंटों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह हाथों में इंट लें, और यहाँ से सीधे इस तरह इंटों को रखते हुए होल्ड रखना है आपको, मैक्सिमम जितना देर तक होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं मन में 1 से लेकर 10 तक, जब तक कि आपका हाथ पूरा कांपने ना लगे तब तक होल्ड रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो हल्का वेट यूज कर सकते हैं, वरना ऐसे एल्बो पर प्रेशर पड़ रहा है तो इस तरह एल्बो को फोल्ड करके भी होल्ड रख सकते हैं। कोशिश करें कि हल्का वेट से ही स्ट्रेट होल्ड रखने का,
क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ से वापस रेस्ट पोजीशन में, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाए हाथ, फिर ट्राई करना है इस तरह मैक्सिमम होल्ड। तो इस तरह आपको इसके 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं, फिर चलेंगे लास्ट एक्सरसाइज 5 नंबर की तरफ। तो पांचवा और सबसे लास्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह हिंटों को लेना है हाथ में, और यहाँ से स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह हिंटों को उठाते हुए यहाँ से यहाँ लाएंगे स्ट्रेट, फिर डाउन जाएंगे, फिर यहाँ से वापस उठाते हुए फिर आगे की तरफ रोटेट करेंगे। इस पोजीशन में भी आपको होल्ड रखना है 5 से 10 सेकेंड, फिर नीचे से ऊपर लाते हुए फिर इस पोजीशन में आएंगे, फिर यहाँ होल्ड रखने हैं, फिर यहाँ से फिर वापस जितना मैक्सिमम होल्ड रख सकते हैं 5 से 10 सेकेंड। ये तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसे आपको 5 रिपीटेशन लगाने हैं। रिपीटेशन कैसे काउंट करेंगे, जब यहाँ से आप यहाँ आते हैं तो 1 गिने, फिर वापस यहाँ से यहाँ आते हैं तो 2 गिने, तो इस तरह आपको 5 रिपीटेशन लगाने हैं। तो ये थे हमारे हाथ को मजबूत करने वाले 5 एक्सरसाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।